सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए मोस्ट अर्जेंट नोटिस लेकर आए हैं और ये नोटिस है फ्रेंड्स DTRIPLSB की तरफ से, कौन कौन से एग्जाम के आपके रिजल्ट आने वाले हैं और कौन कौन से एग्जाम की आंसर की रिलीज की जा चुकी है, इस सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और नोटिफिकेशन की डेट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, आज की ही डेट में से रिलीज किया गया है, 14/10/2021, 14 अक्टूबर का ये नोटिस है। नोटिस आप देख सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ ड्राफ्ट आंसर की फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन एज पर डिटेल गिवन बिलो, और कौन कौन से एग्जाम की ड्राफ्ट आंसर की को यहाँ रिलीज किया है वो भी आप देख लीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पोस्ट के नेम है, पोस्ट कोड यहाँ दिए गए हैं और ऑनलाइन एग्जाम किस डेट को आपका कंडक्ट किया गया था वो आपका इस कॉलम में मेंशन किया गया है। ये देखिएगा, फर्स्ट नंबर पर TGT सोशल साइंस फीमेल, जो आपका पोस्ट कोड है 40/21, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो 56/20, साइंटिफिक असिस्टेंट लाइट डिटेक्शन 52/20। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों एग्जाम है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये आपके 1 अक्टूबर को कंडक्ट किए गए थे, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम रहा था, पोस्ट कोड आपको बता दिए गए हैं। इन एग्जाम्स की ड्राफ्ट आंसर की को रिलीज किया जा चुका है, उसका लिंक जनरेट किया जा चुका है, आप अपनी ID पर चेक कर सकते हैं और DTRIPLSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और किस तरह से इनका ऑब्जेक्शन फाइल आप कर सकते हैं वो सब भी बताया गया है, हम आपको आगे करके भी दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर पर देखिएगा, TGT सोशल साइंस फीमेल 40/21, ये आपका पोस्ट कोड है और 9 अक्टूबर 2021 को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था। तीनों एग्जाम है ये जो कि 9 अक्टूबर में कंडक्ट किए गए थे। TGT सोशल साइंस फीमेल का सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, पोस्ट कोड है 2/20 और लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पोस्ट कोड है 63/20। ये तीनों ही आपके 9 अक्टूबर को कंडक्ट किए गए थे ऑनलाइन मोड से। और नेक्स्ट जो एग्जाम है TGT सोशल साइंस फीमेल, पोस्ट कोड है 40/21। नेक्स्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाइट डिटेक्शन, पोस्ट कोड है 62/20। ये आपका जो एग्जाम है 10 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन सब की ड्राफ्ट आंसर की को रिलीज किया जा चुका है। कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर द अबोव सेड पोस्ट ऑन सेट डेट्स, इन डेट्स में जिनके एग्जाम हुए हैं और जो पोस्ट यहां पर बताई गई है, मे व्यू द ड्राफ्ट आंसर कीज एंड फाइल ऑब्जेक्शंस इफ विद रिस्पेक्ट टू दिस ड्राफ्ट आंसर कीज बाय गोइंग टू द लिंक गिवन एट, ये आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर इनका ऑब्जेक्शन फाइल करने का लिंक अपडेट किया गया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपका आंसर सही मैच नहीं हो रहा है, तो आप यहां पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। जो आपका लिंक जनरेट किया जाएगा वो अवेलेबल रहेगा 14/10/2021 से लेकर 18/10/2021 तक। तो 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 2021 तक आपका ऑब्जेक्शन फाइल करने का लिंक यहां पर अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप यहां पर वैलिड प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो प्रूफ आप दे रहे हैं वह वैलिड होना चाहिए। और आइए फ्रेंड्स, अब हम ऑब्जेक्शन फिल करने का जो लिंक है उसको देख लेते हैं, कैसे आप वेबसाइट पर जाकर लिंक के जरिए अपने ऑब्जेक्शंस को फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है DTRIPLSB की। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे, ये ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक फॉर DTRIPLSB ऑनलाइन CBT एग्जाम हेल्ड फ्रॉम 1st to 10th October, तो जो 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच एग्जाम कंडक्ट किए गए थे ऑनलाइन मोड से, उनका ऑब्जेक्शन फाइल करने का यहाँ पर लिंक जनरेट किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस लिंक पर आप क्लिक करके, इस तरह से आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके आप दबाएंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना एप्लीकेशन नंबर और DOB जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर फिल करके फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर लॉगिन कर जाएंगे और इसके बाद जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, जो भी आपका ऑब्जेक्शन है, वैलिड प्रूफ के साथ आप इसको फाइल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपको काफी रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, बहुत जल्द DTRIPLSB के द्वारा रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, इन एडवांस गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस यही एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।